हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस औरंगाबाद के बारे में। तो यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस के कई सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। बीएससी प्लस एमएससी दोनों ही आपको डिग्री यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि आप यूजी भी कर सकते हो, साथ ही में पीजी भी यहाँ पर कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूजी में एडमिशन कैसे लें, पीजी में एडमिशन कैसे लें। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल में एडमिशन पोर्टल ओपन है यूजी के लिए। ठीक है, यूजी के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी, साथ ही मैं कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि ये हमने वेबसाइट ओपन करी है gifsa.ac.in। अब जब हम अकेडमिक्स पर यहाँ पर जाते, पहले तो मैं आपको एडमिशन के बारे में बता दे रही हूँ कि यहाँ पर एडमिशन कब, कैसे, क्या क्या डेट पर होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द कोर्स में दिया है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी फॉरेंसिक साइंस की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 25/5, यानी पिछले महीने यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। फिर अभी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के एडमिशन ओपन स्टार्ट नहीं हुए हैं, कमिंग सून लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। फिर पीजी डिप्लोमा इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड रिलेटेड लॉ, इसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक्स एंड रिलेटेड लॉ, इसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करते हैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस पर, क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर क्या ओपन हो रहा है। ये पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। ये कोर्स जो है, दिस कोर्स इज ऑफ 3 इयर्स, 3 ईयर का, 3 साल का ये कोर्स है। 12th क्लास आपने करी हो किसी भी ग्रुप से, एनी ग्रुप, मैथ्स या साइंस दोनों ग्रुप में से, किसी भी ग्रुप में से आपने करी हो। 50 सीट्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच 45 आर बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट। 45 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों को भी मिलेगी, उनको ही यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। और 5 सीट जो है वो अदर स्टेट के बच्चों को है, ठीक है। तो ये जो 5 सीट है ये प्योरली मेरिट बेस पर होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। फीस क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2000 पर ईयर, बहुत ही कम फीस है, आप देख सकते हो 2000 रुपये साल भर की फीस है। और बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर 5 सीट्स आर रिजर्व, वही सेम चीज़ लिखी है और यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं लिखा है। क्लियर होगी बात, कितनी सीट्स हैं, 50 सीट हैं, जिसमें से 45 सीट्स जो है वो डायरेक्टली महाराष्ट्र के बच्चों के लिए दी गई हैं। अब बैचलर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब स्पेसिफिक प्रोग्राम आउटकम क्या है, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इवन उन्होंने यहाँ पे टाइम टेबल दिया है, पुराना टाइम टेबल है ये तो नया आएगा, पर ये इतना यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसको बैक कर देते हैं, ये हमने जब क्लिक करके देखा तो वो ओपन हुआ था। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हम एक बार रीड कर ले रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, एज पर NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफर्स बीएससी फॉरेंसिक साइंस, और जिसमें 4 इलेक्टिव माइनर कोर्सेज भी हैं, मतलब आप फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोलॉजी, डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। इसमें 50 सीट्स अवेलेबल हैं, 45 महाराष्ट्र के स्टेट के लिए, बाकी के 5 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए, और 1 सीट है रिजर्व्ड वो डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, 2 सीट्स जो है वो एक्स सर्विस मैन के लिए है, स्पोर्ट्स वाले के लिए यहाँ पर 1 सीट दी गई है। तो ये अलग अलग सीट्स है, मतलब 45 + 5 + 1 + 2 + 1 ऐसे ही जो है नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। रिजर्वेशन अगेन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो दिया जाएगा।
एडमिशन इज स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट एंड स्टेट सर्विस पॉलिसीज। यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली मेरिट बेस पर ही लिया जाएगा, मतलब ट्वेल्थ के मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर टाई होता है, टाई ब्रेकिंग के लिए क्या करेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे, फिर एसएससी एंड एसएससी ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स, फिर डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं, ओल्डर कैंडिडेट जो है उसको प्रेफर किया जाएगा। ये इनके क्राइटेरिया है कि अगर दो लोगों के सेम सेम नंबर है तो उसमें इनका टाई ब्रेकर का ये रूल है। समझ में आ गई बात, ये आपको हो गया क्लियर, किसका था ये, आपका बीएससी के लिए था। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन है, उन पर भी ध्यान दे लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट डेट्स में मेंशन है यहाँ पे सबसे पहले कि जो फॉर्म ओपन हुआ है वो 25 तारीख को हुआ है, फिर इसके बाद में लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपकी दी है 3/7, ठीक है, 3/7 अगले महीने की 3 तारीख को, 3 जुलाई, 3 जुलाई लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे ये पोर्टल बंद हो जाएगा। मेरिट लिस्ट भी आपको यहाँ पे 5 तारीख को आ जाएगी, ठीक है, 1-2 दिन बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा 7 तारीख को, फिर मेरिट लिस्ट करेक्ट होके आएगी तो वो 10 तारीख को नाम आ जाएगा। काउंसलिंग का एडमिशन होगा 17 तारीख को, ठीक है, सेकेंड काउंसलिंग का यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। थर्ड काउंसलिंग का भी यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अभी केवल यूजी की यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, पीजी डिप्लोमा के भी यहाँ पे हो गया है, पीजी डिप्लोमा दोनों भी फील्ड्स में यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, एमएससी के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं काउंसलिंग के लिए, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलिंग का एडमिशन पूरा का पूरा मेरिट बेस पे होगा, 17 तारीख को होगा, और यहाँ पे कैंडिडेट हैव मोर देन मेंशनड रैंक हैव टू अपियर इन पर्सन, आपको वहाँ पे आना पड़ेगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे अपने, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, और बाकी चीज़ें जो है सेकेंड थर्ड काउंसलिंग केयर में आपको बता दिया जाएगा, अगर सीट्स बचेंगी तो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जब एकेडमिक्स पर जाते हैं तो आप देख सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स, पीओ, पीएसओ, सीओ, एकेडमिक कैलेंडर, रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर एडमिशन पर तो हम ऑलरेडी हैं। डिपार्टमेंट आप कौन कौन से चूज कर सकते हो, आप डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक्स में जा सकते हो, जनरल फॉरेंसिक्स ले सकते हो, फॉरेंसिक केमिस्ट्री ले सकते हो, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक फिजिक्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक लॉ, इनमें से कोई भी ब्रांच आप चूज कर सकते हो, क्लियर है बात। इसके बाद में और कुछ आपको जाना, NIRF की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो चलो इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है NIRF, तो यहाँ पर ये NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होता है, इन्होंने यहाँ पर इनकी रिपोर्ट दी रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो इस रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, बाकी कुछ खास काम की है नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट्स पे चलो एकेडमिक की बात करते हैं तो प्रोग्राम्स पे क्लिक करके देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो प्रोग्राम तो आपको पता ही है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और डिप्लोमा प्रोग्राम, तो ये 2 PG डिप्लोमा आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एकेडमिक्स में आपके पास में इतना ही है, फिर ब्रांचेस हैं जैसे डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ का ये आपको ओपन हो जाता है। यहाँ पे फैकल्टी के बारे में भी दिया हुआ है, फिर MSc स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट, ये डिजर्टेशन टॉपिक वगैरह दिए हुए हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर और टूल्स सिखाए जाएंगे वो भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दी हुई हैं। अगर हम फॉरेंसिक साइंस पर आते हैं तो वो डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले तो फैकल्टी दी हुई है, फैकल्टी के बाद में आपकी जो डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ हुई है वो हैं, फिर वही जो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स हैं वो दिया है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड कौन कौन से स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर आप पे काम करवाया जाएगा, किट वगैरह कौन सी मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो वो आप उस पर क्लिक करके और चेक कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट पर काफ़ी अच्छे तरीके से और क्लियरली उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। इज दैट क्लियर, देखो पूरा सिलेबस ही मेंशन कर दिया है कि आपको फॉरेंसिक बायोलॉजी में सीरोलॉजी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी, डीएनए बेस टेक्निक, ये सब पढ़ाया जाएगा, तो काफ़ी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस इंस्टीट्यूट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे आपको ब्रांचेस मिल रही हैं पढ़ने के लिए, तो आपको एक अच्छा मौका है। महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर, इसके अलावा जो भी अपडेट होगा इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या किसी और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी मैं आपको यहीं पर देती हूँ, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.